डीजो मीडिया टेकन 900 ml 500 मीडिया मीन्स डीजो मीडिया का वो वॉल्यूम जिसमें हेलो गाइस कैसे हैं आप सब। तो चलिए नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डिसोल्यूशन दैट इज कॉल्ड सिंक कंडीशन। सिंक कंडीशन ये दोस्तों डिसोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है। मैक्सिमम टाइम एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी टेक 900 ml मीडिया और 500 ml मीडिया इन डिसोल्यूशन बाउल। हम डिसोल्यूशन बाउल का जो मीडिया है, जो उसमें मीडिया भरते हैं, वो डिजो मीडिया नाइन हंड्रेड एम एल क्यों होता है, 500 ml क्यों होता है और सम टाइम 300 ml भी होता है। तो ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीजो मीडिया में वॉल्यूम इतना क्यों लेते हैं। तो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सिंक कंडीशन। ये एक सिंक कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सिंक कंडीशन और दूसरा अनसिंक कंडीशन। तो इससे आपको बेटर वे में क्लेरिफाई होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सिंक कंडीशन क्या होती है और अनसिंक कंडीशन क्या होती है। तो सिंक कंडीशन में सपोज जैसे ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है और ये हमने पानी है और ये हमारी टेबलेट है। ये हमारा स्टमक हो गया और ये हमारी टेबलेट है और ये जो गैस्ट्रिक एसिड और वाटर वगैरह जो भी है ये है। तो हमारी जो दवा है मेडिसिन ये रिलीज होती है, ये स्टमक में रिलीज होती है। तो दोस्तों ये रिलीज होने के बाद कंटिन्यू स्टमक में नहीं रहती है, ठीक है दोस्तों, ये रिलीज होने के बाद कंटिन्यू स्टमक में नहीं रहती है। ये हमारी ये जो साइड में होती है यहां होती है ब्लड वेसल। स्टमक हमारा चारों तरफ से किस चीज से घिरा होता है, ब्लड वेसल्स से। ये हमारी होती है ब्लड वेसल्स। तो ये जो दवा है ये रिलीज होके एब्जॉर्ब होती रहती है, ठीक है दोस्तों, ये दवा रिलीज होके इन ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होती रहती है। इसका मीनिंग होता है कि जो टेबलेट जिसका अंदर जो घुल रही है उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रहता है, यहां पर मींस ये एब्जॉर्ब होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। जैसे जैसे रिलीज होती रहती है ये मेडिसिन ये ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होती रहती है। इसको मैं बना देता हूं, ये रही टेबलेट, ये रही ब्लड वेसल्स। तो दोस्तों ये स्टमक में जो मेडिसिन की कंसंट्रेशन होती है वो प्रॉपर नहीं रहती है, मींस एब्जॉर्ब होती रहती है ब्लड वेसल्स के थ्रू और वो कांस्टेंट नहीं रहती है, एब्जॉर्ब होती जाती है और ये एरिया वॉल्यूम जो है ये खाली होता जाता है, ठीक है दोस्तों। ये वॉल्यूम कभी कांस्टेंट नहीं रहता है, जब स्टमक के अंदर भरा हुआ वॉल्यूम जो होता है, जो भी वॉल्यूम भरा होता है वो मेडिसिन के साथ घुलता रहता है और मेडिसिन यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती रहती है और ये जो स्टमक का वॉल्यूम है ये भी कांस्टेंट नहीं, ये भी जाता रहता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिंक कंडीशन। कि ड्रग का कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट ना रहके प्रिसिपिटेट ना बनके ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता रहता है और वो ब्लड वेसल्स में जाता रहता है और ये जो स्टमक का वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट ना होके रिलीज होता रहे, दैट इज कॉल्ड सिंक कंडीशन, ठीक है। तो ये रहा सिंक कंडीशन। अब बात करते हैं अनसिंक कंडीशन की। ये समझ में आ गया होगा, अब आइए अनसिंक कंडीशन में आते हैं। अब दोस्तों अनसिंक कंडीशन क्या होती है, ये रहा डिजो बाउल और इसमें भरा है हमारा मीडिया,
और ये रही हमारी टेबलेट और ये रहा पैडल। तो दोस्तों ये जब पैडल चलता रहता है और ये जब ड्रग होती है रिलीज होती रहती है, ये टेबलेट अपने कंटेंट एपीआई छोड़ती रहती है। तो इस एपीआई को छोड़ते छोड़ते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि यहां पर सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। सैचुरेशन पॉइंट का मींस कि अब ड्रग आगे नहीं डिजॉल्व हो सकती। तो दोस्तों सैचुरेशन पॉइंट का मीनिंग होता है कि ये दवा डिजॉल्व होते 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इसकी भी कैपेसिटी मीडिया की खत्म हो जाती है उसको डिजॉल्व करने की, मेडिसिन को डिजॉल्व करने की या ड्रग को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी टोटली खत्म हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। आपको एक सीधे एग्जांपल से बताता हूं। सपोज ये ग्लास है, कांच का ग्लास ले लिया आपने, इसमें डाला आपने पानी और ये पानी है और ये रही शुगर, इसमें है ये वाटर और ये शुगर। ठीक है दोस्तों, ये रहा पानी और ये है शुगर। तो दोस्तों थोड़ा इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके शुगर डालते रहेंगे और ये चम्मच से स्पून से स्टरिंग करते रहेंगे ये शुगर है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके डिजोल्व होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा थोड़ा शुगर डालते रहेंगे, डिजोल्व होता रहेगा। पर एक टाइम दोस्तों ऐसा आएगा कि ये शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, मीन्स कंसेंट्रेशन इक्विवेलेंट हो जाएगी शुगर की, वो ये मीडिया से शुगर की कंसेंट्रेशन इक्विवेलेंट हो जाएगी और वो सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा, अब शुगर की नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब शुगर जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसी चीज को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। यही होता है दोस्तों सैचुरेशन पॉइंट, कि अब उसके आगे इस सॉल्यूशन की क्षमता खत्म हो गई, कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट हो गई, सॉलिड की और लिक्विड की कंसंट्रेशन बराबर आ गई। तो अब इस लिक्विड में कंसंट्रेशन नहीं बची, इसको घोलने की क्षमता शक्ति नहीं बची, तो इसलिए ये क्रिस्टल फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड अनसिंक कंडीशन। इसी को बोलते हैं दोस्तों अनसिंक कंडीशन, कि एक टाइम के बाद मीडिया की पावर खत्म हो गई टेबलेट को डिजोल्व करने में और ये टेबलेट प्रिसिपिटेट बनके जमना शुरू हो जाएगी और वो डिसॉल्व नहीं होगी मीडिया में। तो इसी को बोलते हैं अनसिंक कंडीशन। तो आपको समझ में आ गया होगा सिंक कंडीशन और अनसिंक कंडीशन में फर्क। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि सिंक कंडीशन और अनसिंक कंडीशन क्या होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है कि डीजो मीडिया 900 ml क्यों लेते हैं, ये 200 ml क्यों लेते हैं, 300 ml क्यों लेते हैं, इसका रीजन बताइए जरा। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो दोस्तों यही सवाल पूछा जाता है, व्हाई डीजो मीडिया टेकन 900 ml, 500 ml या 300 ml। तो इसका आप लोग आंसर दे देते हैं, सर जो हमारा एम्प्टी स्टमक वॉल्यूम होता है वो होता है 300 ml या 200 ml और फुल स्टमक वॉल्यूम जो होता है 900 ml। वो आंसर हमारा 20% ही सही रहता है, नॉट 100%। हमारा 20% ही वो आंसर सही रहता है कि भैया एम्प्टी स्टमक वॉल्यूम इतना होता है इसलिए इतना लेते हैं और फुल स्टमक वॉल्यूम इतना होता है इसलिए इतना लेते हैं। तो उस चीज को आप भूल जाइए कि ये आपको जवाब नहीं देना है, सिंपल सी बात। तो आप बताए, अब आपको बताता हूं जवाब क्या देना है आपको। सर डीजो मीडिया वॉल्यूम इतना 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 जो भी रहता है एज पर एस टी पी,
आपको बताना है कि सर जो डीजो मीडिया का वॉल्यूम 900 ml या 500 ml या एस पर एसटीपी जो भी दिया रहता है, दैट इज टू मेंटेन द सिंक कंडीशन इन द डीजो बाउल। उस डीजो बाउल में सिंक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए वो जो मीडिया है वो डिसाइड किया जाता है कि कितना ml हमें लेना है, 900 ml लेना है कि 500 ml लेना है कि 300 ml लेना है। That is due to maintain the sink condition. Sink condition को maintain करने के लिए लिया जाता है वो volume. तो दोस्तों sink condition की जो definition है, that is the volume of the diazo media. The volume of the diazo media which can dissolve up to 3 times of level claim of the drug. That is called its sink condition. इसका मतलब ये है कि diazo media का वो volume जो टेबलेट में जो ड्रग है, मान लीजिए 20 mg की क्लेम है, कोई दवा हमने जिसका डीजो लगा रहे हैं, कोई एक्स वाई जेड टेबलेट का डीजो लगा रहे हैं जिसका लेबल क्लेम है 20 mg, तो ये जो डीजो मीडिया का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम जो 20 mg का 3 times, यानी कितना 20 mg का 3 times इज इक्वल टू 60 mg, डीजो मीडिया का वो वॉल्यूम जो अप्रोक्स 3 times ऑफ द लेबल क्लेम ऑफ द ड्रग, मीन 60 mg तक की क्लेम को डिसॉल्व कर सके उतने ही मीडिया में। मान लीजिए हमने 900 ml मीडिया लिया है, तो ये 900 ml के मीडिया में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि ये 20 mg के 3 times, यानी 20 20 20 तीन टेबलेट भी डाल दें तो उसका रिजल्ट भी 300% दे दे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर सिंगल टेबलेट डाले तो 100%, दो टेबलेट मान लीजिए डाले तो 200%, और तीन टेबलेट डाल दे तो 300%। दैट इज कॉल्ड द सिंक कंडीशन ऑफ द डीजो मीडिया, मीन्स डीजो मीडिया का वो वॉल्यूम जिसमें जो भी लेबल क्लेम ऑफ द ड्रग है उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए उसका 3 गुना वो अपने वॉल्यूम में डिसॉल्व कर ले, कोई सैचुरेशन पॉइंट ना आए, उसके 3 गुना डिसॉल्व होने पर भी कोई सैचुरेशन पॉइंट ना आए, दैट इज कॉल्ड सिंक कंडीशन। तो आपको इंटरव्यू में अगर यही पूछा जाए कि व्हाई वी टेक डीजो मीडिया 900 ml 500 ml, तो आपको फर्स्ट आंसर यही देना है सर, टू मेंटेन द सिंक कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ डीजो मीडिया विच कैन डिसॉल्व अप टू 3 times ऑफ द लेबल क्लेम ऑफ द ड्रग विच हैज टू बी फॉर विच डिसोल्यूशन हैज टू बी परफॉर्म। जिस टेबलेट का डिसोल्यूशन मान लीजिए हमें परफॉर्म करना है, उसका लेबल क्लेम मान लीजिए 20 mg है, तो उस उतने मीडिया जैसे 900 ml है, तो उस 900 ml के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम तीन बार भी वो टेबलेट डालें, तीन बार टेबलेट डालें तो उसको भी वो मीडिया 900 ml में प्रॉपर डिसॉल्व कर ले, उसको सैचुरेशन पॉइंट ना दे। ठीक है दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं सिंक कंडीशन। आई होप, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो ये सिंक कंडीशन के बारे में प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा कंसेप्ट सिंक कंडीशन के बारे में, और आपको बहुत अच्छी डिटेल्स और जानकारी मिल गई होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड नाइट।